हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बिना ओवन के बहुत ही मज़ेदार खस्ता मुंह में घुल जाने वाली बेकरी जैसी नान खटाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के साथ बिना ओवन के घर की कढ़ाई में बेकरी स्टाइल नान खटाई। अगर आप भी मेरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये नान खटाई बनाते हैं तो आपकी नान खटाई भी बिल्कुल बेकरी जैसी ऊपर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंग्रेडिएंट के साथ। यहाँ हम लेंगे 1 कप मैदा, 3/4 कप पाउडर शुगर, 1/2 कप घी, 2 टेबल स्पून बेसन, 2 टेबल स्पून सूजी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून बादाम पिस्ता की कतरन। यह इंग्रेडिएंट बिल्कुल सिंपल है। जिस कटोरी से हमने मैदा लिया है उससे थोड़ा कम यानी 3/4 कप पाउडर शुगर, उससे थोड़ा कम यानी 1/2 कप घी। यहाँ हम एक बाउल में लेंगे घी। अब सबसे पहली ट्रिक ये है कि घी जमा हुआ होना चाहिए। अगर आपका घी पिघला हुआ है तो उसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम यहाँ डालेंगे शुगर पाउडर, या सिंपल है शक्कर को मिक्सी में पीस के उसे छान ले, शुगर पाउडर तैयार है। अब यह थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। यह हम एक विस्कर की सहायता से इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। बस सारी मेहनत हमें यहीं करनी है। इसको लगातार चलाते हुए तब तक फेंटे जब तक कि ये क्रीमी, सॉफ्ट, फ्लफी ना हो जाए। अगर आपके पास ऐसा विस्कर नहीं हो तो आप सिंपल चम्मच से भी फेंट सकते हैं या इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं। बस इसे लगातार ऐसे ही बीट करना है। इससे इसका कलर भी लाइट हो जाएगा और टेक्सचर भी बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफी आएगा। ये देखिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल वाइट हो गया है। इसका टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट है। जितना ज़्यादा आप फेंटोगे आपकी नान खटाई उतनी ही खस्ता और सॉफ्ट बनेगी। चलिए इसको साइड में रखते हैं और कढ़ाई को प्रीहीट कर लेते हैं। यहाँ हम लेंगे कढ़ाई, इसमें रखेंगे एक स्टैंड। अगर आपके पास ऐसा स्टैंड नहीं हो तो आप कटोरी भी ले सकते हैं और इसे ढक्कन लगाकर 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर प्रीहीट करेंगे। यहाँ मैं आपको नान खटाई ओवन में भी बनाना बताऊंगी। इसके लिए हमें ओवन को 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर प्रीहीट करना है। अब जब तक हमारी कढ़ाई और ओवन प्रीहीट होते हैं हम डो बना लेते हैं। हाँ, अब उसी बाउल पर हम रखेंगे स्ट्रेनर। स्ट्रेनर में डालेंगे मैदा। जिस कटोरी से हमने घी लिया था उसी से 1 कटोरी मैदा। अब यहाँ डालेंगे बेसन। बेसन से नान खटाई में एक अच्छा कलर और टेक्सचर आएगा और इसे थोड़ा क्रंची बनाने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें सूजी। और बाजार जैसी सॉफ्ट बनाने के लिए हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। या आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं हो तो इसका आधा यानी कि 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। इनको अच्छे से हम छान लेंगे। छानने से एक तो ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, काफ़ी लाइट होगा और कोई गुठलियाँ भी नहीं रहेगी। अब यहाँ डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को छानना नहीं है। अब बस हल्के हाथों से मिक्स करते हुए सबको अच्छे से बांधना है। यहाँ आटा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करते हुए डो लगाना है। यहाँ अगर आपको डो ड्राई लगे तो आप इसमें 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पानी और दूध बिल्कुल भी नहीं डालें। इसको ऐसे ही मिक्स करते हुए हमारा सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अब इसी डो से हमें छोटी छोटी नान खटाई बना लेनी है। यहाँ हमने एक प्लेट को फॉइल पेपर से रेप कर लिया है जिससे ये काली ना पड़े। अगर आपके पास फॉइल पेपर ना हो तो सिंपल प्लेट पर घी स्प्रेड कर दे और मैदा छिड़क दे। अब हम इसके ऊपर घी स्प्रेड करेंगे जिससे हमारी नान खटाई नीचे चिपके नहीं। अब इसी तरह प्लेट पर सारी नान खटाई रखेंगे। इसको थोड़ी दूरी में रखेंगे क्योंकि बेक करने पर यह फूलेगी और फैलेगी भी सही। अब इसी स्टेज पर हम इसमें पिस्ता और बादाम की कतरन लगा देंगे। ये देखिए हमारी सारी नान खटाई तैयार है। यह हमारी कढ़ाई प्रीहीट हो गई है। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसमें रखेंगे हम अपनी नान खटाई। बहुत ही ध्यान से रखना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म हो गई है। अब हम इसे ढक्कन लगा के बिल्कुल धीमी आंच पे 20 से 25 मिनट तक बेक करेंगे। ओवन के लिए लेंगे हम यहाँ बेकिंग ट्रे। इस पर पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर लाइन अप कर देंगे। हमने बेकिंग ट्रे पर भी सारी नान खटाई को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखा है जिससे ये बेक होने पर फैल कर आपस में चिपके नहीं। हमने यह सारी नान खटाई पर पिस्ता लगा दिया है। इसका साइज हमने छोटा ही रखा है क्योंकि बेक होने पर यह थोड़ी फैलेगी। हमारा ओवन प्रीहीट हो गया है। अब हम इसे मिडिल रेक पर 160 डिग्री पर 15 मिनट के लिए बेक करेंगे।
आप इसका टेम्परेचर अपने ओवन के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। 15 मिनट हो गए, अब एक बार चेक कर लेते हैं। वाओ, ये कितनी प्यारी अच्छे से फूल गई है और इसमें क्रेक भी आना स्टार्ट हो गए हैं। बस इसे 10 मिनट के लिए और बेक करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं, चलिए अब चेक करते हैं। ये देखिए क्या परफेक्ट कलर और टेक्सचर आया, और क्रेक्स भी बिल्कुल बेकरी जैसी, नान कटाई जैसी। फ्रेंड्स, अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है, तो आप इसे कच्ची समझ के ओवर कुक मत कीजिएगा। ठंडी होने पे ये क्रंची हो जाएगी और इसका कलर भी बिल्कुल लाइट ब्राउन आएगा। ये देखिए क्या परफेक्ट कलर टेक्सचर के साथ, बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली बेकरी स्टाइल नान खटाई तैयार है। ये देखिए हमारी ओवन वाली नान खटाई भी तैयार है, अब इसे बाहर निकाल लेते हैं। सुपर्ब, क्या कलर और क्रेक्स आए। क्रेक्स इस बात का इंडिकेशन है कि हमारी नान खटाई अंदर तक परफेक्ट कुक हुई है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी नान खटाई तैयार है, कढ़ाई में भी और ओवन में भी। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करते हुए कढ़ाई में या ओवन में जैसे चाहे नान खटाई बनाए, और यकीन मानिए आपकी नान खटाई भी बहुत ही खस्ता, मुँह में घुल जाने वाली, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।